हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं थियरी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। इस चैप्टर को आपको फोकस्ड वे में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको समझना भी पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा, और दोनों ही काम मैं करवाऊंगा, ठीक है। सबसे पहला बात तो ये कि बीकॉम सेमेस्टर वन के फ्री क्लासेस में अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हो तो क्या कर रहे हो, फटाफट से ज्वाइन करो ना। 6 स्टेप्स को फॉलो करने हैं बस तुमको, वो मिलेंगे तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो टेलीग्राम चैनल में। फटाफट से जाओ, ज्वाइन करो और आ जाओ हमारे सेमेस्टर वन के फ्री ग्रुप में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये चैप्टर को शुरुआत करने से पहले इस टर्म को समझते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन मतलब क्या होता है। तो आइए, प्रोडक्शन फंक्शन मेरे साथ लिखते भी जाइएगा आप लोग, मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, हमारे पास एक इनपुट रहता है। इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल्स बोल सकते हो आप, इनपुट को आप रॉ मटेरियल्स बोल सकते हो, ठीक है। उस पे हम लोग ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? एक्टिविटी। उस इनपुट पे हम लोग कुछ काम करते हैं और वो वही इनपुट से हमारा आउटपुट रेडी होता है, यानी कि फाइनल गुड्स रेडी होता है। यानी कि आप लोग जो रॉ मटेरियल्स लाए, उस रॉ मटेरियल्स के हेल्प से कुछ एक्टिविटी आप लोग ने परफॉर्म किया, उसके बाद जो आउटपुट निकल के आया, उसी चीज को हम लोग, पूरा का पूरा प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्लियर है कि नहीं बताइए, क्लियर है कि नहीं बताइए। जो रॉ मटेरियल्स के हेल्प से आपने कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके फाइनल गुड्स बनाया, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये इनपुट जो होता है ये इंडिपेंडेंट रहता है, लेकिन आउटपुट पूरा का पूरा डिपेंडेंट रहता है किस पे? इनपुट पे। जैसा माल वैसा काम, सिंपल सा बात है। जैसा रॉ मटेरियल्स आप दोगे उस हिसाब से तो आउटपुट बनेगा ना, क्लियर है बात। तो इनपुट जो होता है वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट, ओके। और आउटपुट रहता है डिपेंडेंट। भैया डिपेंडेंट किस पे रहता है? इनपुट पे। भैया अगर आप इनपुट सही नहीं दोगे तो आउटपुट कहां से रेडी हो जाएगा? आसमान से तो प्रकट नहीं होगा ना सामान। अगर आप फाइनल सामान बना रहे हो तो ये आप ताकत रखिएगा कि आपका रॉ मटेरियल जो है वो सही होना चाहिए। सामान के लिए, सामान बना, अच्छा सामान बनाने के लिए अच्छा मटेरियल होना चाहिए। इसीलिए आउटपुट को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। और इनपुट क्या है? इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्लियर है। इसी चीज का रिलेशनशिप थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, उसको आप लोग प्लीज देखिए। क्यू ओ इक्वल्स टू एफ क्यू आई, ठीक है। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ये इंडिपेंडेंट है। क्यू आई मतलब क्या है? इनपुट, इंडिपेंडेंट। इसके वजह से ये तैयार होता है। आउटपुट कैसे तैयार होता है? इनपुट के क्वांटिटी से, इनपुट के क्वालिटी से। इनपुट क्या है? इंडिपेंडेंट। आउटपुट क्या है? डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिलेशन बताता है कि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप इनपुट एक लाओगे, उस पर आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे और आउटपुट जो आपका प्रोड्यूस हो जाएगा उसको बोल सकते हैं, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को बोल सकते हैं ये मतलब कि प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा भैया, आपने ये सब लिख के तो समझा दिया, इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखवाइए। आओ ना, लिखवाता हूं, आ जाओ, रेडी हो जाइए आप लोग। डेफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं, आइए लिखिए, लिखिए यहां पे। प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इनपुट एंड आउटपुट के बीच पूरा फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट, ठीक है, अंडर ए गिवन स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल ये सब आप लोगों को लिखना है बाबू, क्योंकि आपका जो पेपर होने वाला है वो एलएक्यू होने वाला है, तो पूरा का पूरा लिखिए। तो आप इसी चीज को आप अगर प्रिपेयर करोगे तो बस आपका काम हो जाएगा सिंपल। सेकंड पैराग्राफ में लिखिए, प्रोडक्शन is always associated. Production is always associated with the technology. Rational producers, मतलब एकदम ठीक ठाक दिमाग वाला रैशनल प्रोड्यूसर लिख लीजिए, उसके बाद पूरा प्रॉपर समझाएंगे। ऑलवेज यूजेस बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स to produce maximum quantity with a given combination of input. ठीक है। तो ये आपका रहा पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन का डेफिनेशन। आइए समझते हैं इसको डिटेल वे में। तो प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट्स दैट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मैंने क्या बताया था, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इसका मतलब यह हुआ कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट, यानी कि जितना भी आपका इनपुट हो आप ट्राई करोगे उससे निचोड़ के आउटपुट प्रोड्यूस करने का। अगर आपका मटेरियल कम भी हो तो आप यही कोशिश करोगे कि बेस्ट पॉसिबल मैनर में आप अपने आउटपुट को इंक्रीज कराओ, है ना। सो कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन क्वांटिटीज ऑफ इनपुट अंडर ए गिवन स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज। सेकेंड पैराग्राफ में लिखे हैं, प्रोडक्शन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द टेक्नोलॉजी, हमेशा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपने इनपुट को पूरे के पूरे तरह से यूटिलाइज करके एक अच्छे से अच्छे आउटपुट बनाओ।
आप अपने रॉ मटेरियल्स को कितना अच्छा से यूटिलाइज करके फाइनल गुड्स बनाते हो, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। क्लियर है? चलिए आगे आगे चलिए। तो दोस्तों, प्रोडक्शन को करने का दो तरीका है, ठीक है? प्रोडक्शन फंक्शन को करने का दो तरीका है। आइए लिखते हैं इसको भी लिखते हैं, समझते हैं सबसे पहले, इसके बाद इसका भी लॉन्ग में लिखेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये दो तरीके से किया जाता है। एक तो है शॉर्ट रन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो आप, और एक लॉन्ग रन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हो। शॉर्ट रन मतलब कि जो पीरियड बहुत ज्यादा शॉर्ट है, ठीक है? शॉर्ट रन विच इज टू शॉर्ट। शॉर्ट रन मतलब क्या? जो प्रोडक्शन आप बहुत कम समय के लिए करने वाले हो। यहां पे क्या होता है, कैपिटल फिक्स्ड रहता है, यानी कि आप मशीनरी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को चेंज नहीं करते हो, वो फिक्स्ड रहता है। लेकिन अदर फैक्टर्स जो रहता है वो वेरिएबल रहता है। अदर फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द केस। सब कुछ को लिखवाएंगे लेकिन सबसे पहले समराइज नोट्स से आपको समझा देना है, ठीक है? सबसे पहले हम शॉर्ट रन में चलते हैं। शॉर्ट रन में क्या होता है, जो पीरियड बहुत ज्यादा शॉर्ट रहता है, मान लीजिए मेरे पास सिर्फ एक महीने है और उस एक महीने में मेरे को पूरा का पूरा प्रोडक्शन करना है, तो उस एक महीने में मैं क्या पूरा कैपिटल चेंज करने जाऊंगा, मशीनरी चेंज करने जाऊंगा, 1-2 करोड़ का मशीनरी लाऊंगा इंपोर्ट करके? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं लेबर्स बढ़ा सकता हूं। अगर मेरा काम का प्रेशर है, अगर मेरा शॉर्ट पीरियड में काम खत्म करना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, अदर फैक्टर्स को मैं चेंज कर सकता हूं, लेकिन मैं कैपिटल को हमेशा फिक्स्ड रखूंगा। सिंपल सा बात है। उस केस में क्या रहेगा मेरा, उस केस में मैं मशीनरी बड़े बड़े इक्विपमेंट्स को चेंज नहीं करूंगा, उस केस में मैं लेबर्स को बढ़ाऊंगा, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा, है ना? तो अदर फैक्टर्स वेरिएबल रहेंगे और कैपिटल जो रहेगा उस केस में फिक्स्ड रहेगा। इसको और डिटेल में समझेंगे, चिंता मत कीजिए। सबसे पहले तो अभी आपको समराइज्ड वे में लिखवा दे रहा हूं। और शॉर्ट रन का जो लॉ है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फ्यूचर क्लासेस में हम लोग इसको और डिटेल में करेंगे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें कैपिटल जो रहता है वो फिक्स्ड रहता है। एक चार्ट से दिखा रहा हूं आपको, ये है कैपिटल। ये क्या है? कैपिटल जो रहता है वो एकदम फिक्स्ड रहता है। और ये है लेबर। लेबर जो रहता है वो वरी करता रहता है, ऐसे करके। मतलब कि लेबर वाला जो सेक्शन है ये चेंज हो रहा है, और ये कैपिटल वाला सेक्शन देखिए एकदम कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है कि कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहता है, कैपिटल में हम लोग कोई बदलाव नहीं करते, लेकिन अदर फैक्टर्स हमेशा वेरिएबल रहता है, ठीक है? नेक्स्ट है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब जो बहुत लंबे समय के लिए आपको प्रोडक्शन करना है। आपको अगर 5 साल फ्यूचर के लिए प्रोडक्शन करना है, 5 साल का समय है, या 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए समय है, तो आप क्या करोगे, अपने कैपिटल भी चेंज करोगे और अपने लेबर्स भी चेंज करोगे। तो लॉन्ग रन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लानिंग पीरियड। जो पीरियड में आप प्लान कर सकते हो, है ना, जो बहुत लंबे समय के लिए रहता है। लॉन्ग रन मतलब बहुत लंबे समय के लिए, जहां पे आपको चेंज करने के लिए बहुत प्लान करने का समय मिलेगा। इमरजेंसी में कुछ आप नहीं कर रहे हो जहां पे, ठीक है? तो देखिए यहां पे क्या होता है, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। सारे के सारे फैक्टर्स आप चेंज कर सकते हो, सिंपल सा बात है। और इसके लिए लॉन्ग रन के लिए हम लोग अलग लॉ पढ़ते हैं, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ते हैं।
यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए एक स्केल रहेगा पूरा। आप इसका लॉजिक कभी कभी क्या समझे हो, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्यों बोलते हैं इसको, एक स्केल रहेगा पूरा, इसमें पूरा का पूरा फैक्टर्स ही चेंज होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, या तो ये पूरा का पूरा बढ़ेगा या तो ये पूरा का पूरा गिरेगा, एक साथ सब चेंज होता है, ठीक है। पूरा स्केल एक साथ या तो ऐड होगा या तो लेस होगा, सिंपल सा बात है, या तो बढ़ेगा या तो गिरेगा, ठीक है। और शॉर्ट रन उसका पूरा का पूरा उल्टा है। आइए इसके बारे में पूरा एकदम डिटेल्ड वे में पहले लिखते हैं हम लोग। आइए एक मिनट दोस्त, एक मिनट, आइए लिखिए, नीचे लिखिए, लिखिए इन शॉर्ट रन फॉर्म कैन चेंज इट्स आउटपुट, इट्स आउटपुट by changing only variable factors, only variable factors, by variable factors, variable factors, we need labor, we need लेबर हो गया, जैसे वेरिएबल फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया, लेबर्स हो गया, और एक होता है रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, यूज्ड इन प्रोडक्शन, यूज्ड, यूज्ड इन प्रोडक्शन, यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। फिक्स्ड फैक्टर इंक्लूड्स, लिखिए नेक्स्ट, अच्छा यहां पे बाय नहीं होगा, यहां पे फॉर होगा, ओके गलती से बाय लिख दिए। फॉर वेरिएबल फैक्टर्स वी नीड लेबर्स, रॉ मटेरियल्स, यूज्ड इन प्रोडक्शन, लिखिए फिक्स्ड फैक्टर इंक्लूड्स। अब फिक्स्ड फैक्टर के बारे में जानते हैं, इंक्लूड्स लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड फैक्टर मतलब क्या हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। आपके पास एक महीने है, एक महीने में आपको सारा का सारा प्रोडक्शन आपको देना है, कंप्लीट करना है, तो क्या आप लैंड एंड बिल्डिंग चेंज करोगे, प्लांट एंड मशीनरी चेंज करोगे, बताइए तो, नहीं भैया। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लेबर्स को बढ़ा सकते हैं, लेबर्स को घटा सकते हैं, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं शॉर्ट रन में मैनेज। इमरजेंसी में तो इतना बड़ा बड़ा हम लोग इक्विपमेंट्स नहीं खरीदने जाएंगे, या इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट तो हम लोग करने नहीं जाएंगे, सिंपल सा बात है, बिकॉज समय कम है, कम समय में परफॉर्म करके देना है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेट्रा, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी एक्सेट्रा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन का भी लिख लीजिए, ओके एक मिनट दोस्त, एक मिनट, एक, अच्छा एक काम कीजिए, शॉर्ट रन का थोड़ा सा और लिख लीजिए, शॉर्ट रन का थोड़ा सा और लिख लीजिए, ठीक है। इन शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम विच इज टू शॉर्ट, which is too short, ये period of time जो रहता है बहुत कम रहता है for a firm to install a new capital equipment,
एनी कैपिटल इक्विपमेंट, बहुत कम समय रहता है बड़े बड़े कैपिटल इक्विपमेंट को इश्यू करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। इक्विपमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू इंक्रीज प्रोडक्शन। आइए अब लॉन्ग रन के बारे में पढ़ते हैं, शुरू करते हैं लॉन्ग रन, ठीक है। आइए देखिए, लॉन्ग रन इस सबको लिख लीजिए, इसके बाद एक बार मैं फिर वापस समझा दूंगा। फर्म कैन चेंज इट्स आउटपुट बाय चेंजिंग All factors of production. All factors of production. Both fixed and variable. Fixed and variable. मतलब long run में क्या होता है बाबू? लॉन्ग रन में फिक्स्ड फैक्टर्स भी हम लोग चेंज करते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स भी हम लोग चेंज करते हैं। सिंपल सा यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, सिंपल सा चीज हम लोग लिखवाए हुए हैं यहाँ पे आपको, है ना। तो यहाँ पे लिखिए और एक चीज, द लॉन्ग रन, द लॉन्ग रन इज ए पीरियड, इज ए पीरियड ऑफ टाइम और प्लानिंग होराइजन। इसको तो पक्का से पक्का लिख के आइएगा, इस पे बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है, प्लानिंग होराइजन, ठीक है, इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, आर वेरिएबल, सारे के सारे फैक्टर्स जिसमें वेरिएबल रहते हैं वो लॉन्ग रन होता है, ठीक है। वापस से आइए, वापस से जो जो लिखे हैं हम लोग ने वापस समझते हैं। इन शॉर्ट रन फर्म कैन चेंज इट आउटपुट बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके, यानी कि वेरिएबल फैक्टर्स मतलब क्या हो गया, लेबर्स और रॉ मटेरियल्स को चेंज कर सकते हैं हम लोग शॉर्ट रन में, बिकॉज कम समय में। शॉर्ट रन मतलब क्या, कम समय है हमारे पास, इतने बड़े बड़े मशीनरी या कैपिटल इक्विपमेंट खरीदने के पैसे भी नहीं है और समय भी नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ लेबर्स या तो रॉ मटेरियल्स को हम लोग मतलब कि बढ़ा घटा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और फिक्स्ड फैक्टर मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड फैक्टर मतलब हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो कि एकदम कॉन्स्टेंट रहता है शॉर्ट रन। इन शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम विच इज टू शॉर्ट फॉर ए फर्म टू इंस्टॉल ए न्यू कैपिटल इक्विपमेंट टू इंक्रीज प्रोडक्शन। बहुत कम समय रहता है कि हम एक नया कैपिटल इक्विपमेंट को लाए और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कराए, ठीक है। और लॉन्ग रन, लॉन्ग रन फर्म के बारे में आइए पढ़ते हैं इसको। लॉन्ग रन फर्म कैन चेंज इट आउटपुट बाई चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। लॉन्ग रन एक ऐसा रन होता है जहां पे फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। The long run is a period of time or which planning horizon in which all the मतलब कि factors of production are variable. Okay, चलिए next लिखिए, short run production function. अभी तो हम लोग short run के बारे में पढ़े, लेकिन short run production function अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, okay? Explains, लिखिए मेरे साथ, explains the effect on output. Explains the effect on output when one factor is
चेंज keeping all others constant. So short run मतलब क्या हो गया? Short run production function explains the effect on output when one factor is changing, keeping all others constant. जब सिर्फ एक factor change हो रहा है, बाकी सारे constant है. Simple सा बात है. अब आइए long run production function को लिखते हैं. प्लीज एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए. आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है दोस्तों. इतना ज्यादा मेहनत शायद ही कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैं आपके भविष्य के बारे में सोचता हूं, तो एक कमेंट आपके तरफ से बनता है जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है. तो प्लीज कमेंट कीजिएगा. ओके, लाइक भी कर दीजिएगा, बिकॉज आप लोग लाइक करते हैं तब और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है. तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में लिखते हैं. एक्सप्लेन्स द effect on output when all factors of production ठीक है, are changing in equal proportion. ठीक है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? एक्सप्लेन्स द इफेक्ट ऑन आउटपुट व्हेन वन फैक्टर इज चेंजिंग कीपिंग ऑल अदर फंक्शंस. तो ये बताता है कि क्या अफेक्ट हुआ जब एक फैक्टर चेंज हो रहा है और दूसरे सारे फैक्टर्स कॉन्स्टेंट है. ठीक है, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस में उल्टा हो रहा है ना. यहां पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस एक्सप्लेन्स द इफेक्ट व्हेन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंजिंग इन इक्वल प्रोपोर्शन. जब सारे के सारे फैक्टर्स इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है, तब क्या इफेक्ट हो रहा है, ये बताता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. सिंपल उसके इसको बयां करता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, चलिए ये सब चीज आपको लिखना भी हो गया, समझना भी हो गया. अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और महारती हासिल करते हैं. आइए लिखिए ये नोट्स. अगर किसी ने भी कर लिया तो बस उसका बेरा पार है. सिंपल सा बात, उसका बेरा पार है. संकट मोचन नोट्स है पूरा जो मैं लिखवा रहा हूं. अब हम लोग करेंगे अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन. प्रोडक्शन फंक्शंस को करने के ये पहले क्या क्या आपको अजम्पशन करना पड़ेगा, क्या क्या आपको एज्यूम करना पड़ेगा. तो देखिए सबसे पहला अजम्पशन, इट इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर, इट इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम से ये रिलेट करेगा सर. सबसे पहला assumption, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही ये प्रोडक्शन फंक्शन रिलेट करेगा. दूसरा, द टेक्निकल नॉलेज during that period of time remains constant. यानी कि जो भी टेक्निकल नॉलेज है उस पीरियड में एकदम कॉन्स्टेंट रहना पड़ेगा. टेक्निकल नॉलेज का अगर तुम बदलाव कर दोगे तो तुम्हारा प्रोडक्शन फंक्शन का जो भी अजम्पशन है वो गलत हो जाएगा. समझे, नहीं कर पाओगे प्रोडक्शन अजम्पशन. तो तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज एकदम सेम टू सेम रहना चाहिए, फिर ही ये सारे शॉर्ट रन लॉन्ग रन के जो भी रूल्स है ये तुम्हारे अप्लाई होंगे, वरना नहीं. ठीक है, कॉन्स्टेंट. इसके बाद थर्ड, द प्रोड्यूसर इज यूजिंग द बेस्ट
द बेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल, द बेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल। इसका मतलब यह है कि प्रोड्यूसर्स को जो भी बेस्ट टेक्निक है उसका यूज करना पड़ेगा, तभी प्रोडक्शन फंक्शंस को तुम काम पे लगा पाओगे, वरना पूरा का पूरा एजम्पशन ही गलत चला जाएगा। ओके, पूरा का पूरा जो रूल्स पड़े हम लोग ने, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वो अप्लाई होगा ही नहीं। तो ये तीन एजम्पशंस को आपको फॉलो करने जरूरी है अगर आप प्रोडक्शन फंक्शंस करने चाहते हैं। सबसे पहले, इट इज रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए बस, उसके आर पार नहीं। सेकंड हम लोग ने पढ़ा द टेक्निकल नॉलेज ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो टेक्निकल नॉलेज जो आपके पास है वो एकदम कॉन्स्टेंट रहने दीजिए, वो सेम रहने दीजिए। टेक्निकल नॉलेज को लाइक आपका अगर बढ़ गया तो प्रोडक्शन फंक्शंस अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। और थर्ड, द प्रोड्यूसर इज यूजिंग द बेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल, यानी कि आप मतलब कि प्रोडक्शन करने के लिए सबसे जो बेहतरीन टेक्निक है उसको इस्तेमाल कर रहे हो, जो बेहतरीन टेक्निक आपके पास अवेलेबल है उसको इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, तभी प्रोडक्शन फंक्शन काम में आएगा। चलिए अब हम लोग तीन कंसेप्ट पढ़ते हैं, थ्री कंसेप्ट। नेक्स्ट, थ्री कंसेप्ट लिखिए, थ्री कंसेप्ट, एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले होता है टीपी, तब समझाते हैं हम टीपी क्या होता है। टीपी, टीपी को हम लोग प्यार से बोल सकते हैं टोटल प्रोडक्ट। इसके बारे में लिखेंगे, पहले लिखिए टोटल प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट, टोटल प्रोडक्ट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, ऑफ ए कमोडिटी दैट ए फर्म प्रोड्यूस, दैट ए फर्म प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूसर्स, ठीक है, विद ए कॉम्बिनेशन, विद ए कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, इनपुट्स इन ए गिवन टाइम, इन ए गिवन टाइम, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट क्या होता है माय फ्रेंड, कि टोटल प्रोडक्ट इसका मतलब सारा का सारा प्रोडक्ट जो एक प्रोड्यूसर बनाया है विद ए गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, गिवन रॉ मटेरियल से या गिवन लेबर से जो सारा का सारा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, जो सारा का सारा कमोडिटी प्रोड्यूस हुआ है इन ए गिवन टाइम, यानी कि जो भी गिवन टाइम है, जैसे कि एक महीने में तुमको प्रोडक्शन करना है, दो महीने में प्रोडक्शन करना है, उस वक्त तक तुमने जितना टोटल प्रोडक्ट बनाया उसको हम लोग बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट। सिंपल सा बात है, जितना मतलब कि कमोडिटी बनाया विद ए गिवन इनपुट उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आ गया, लिख लीजिए इसको। चलिए आगे, एक कंसेप्ट तो हो गया, सेकंड आप लिखेंगे, बात करेंगे एपी का। एपी मतलब क्या होता है भैया, एवरेज प्रोडक्ट, देखिए एवरेज प्रोडक्ट, देखिए एपी रेफर्स टू टोटल, ये टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट, एपी मतलब टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट, पर यूनिट कितना प्रोडक्ट बनाया गया है इसको अगर निकालेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा ना, यानी कि एवरेजली हर यूनिट पे कितना प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है, हर लेबर ने कितना प्रोडक्ट बनाया है, एक लेबर ने कितना प्रोडक्ट बनाया है उसको अगर निकालने जाए तो आपको एपी निकालना पड़ेगा। मान लीजिए फैक्ट्री में 100 लेबर है, सामान बने हैं 3000, एक लेबर ने कितना बनाया एवरेजली, भैया 30 बनाए हैं, तो उसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि एक लेबर ने कितने बनाए होंगे उसका अगर एवरेज निकालेंगे तो उसको बोलते हैं एवरेज प्रोडक्ट, समझ गए होंगे, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। चलिए लिखिए, एपी
इक्वल्स टू सीपी बाई एल, ये टोटल प्रोडक्ट बाई एल। एल मतलब क्या होता है? सीपी बाई वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कि आपने प्रोडक्ट बनाया 3000 यूनिट, ठीक है, और लेबर आपका है 100, तो एपी कैसे निकालेंगे? 3000 बाय 100 कितना निकल जाएगा? 30। एपी आपका 30 निकल जाएगा, यानी कि एक लेबर ने 30 यूनिट प्रोड्यूस किए, एक लेबर ने 30 यूनिट प्रोड्यूस किए। सिंपल से बात है, क्लियर। आइए अभी थर्ड कंसेप्ट, एपी समझ गया आप लोग, चलिए एमपी। एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट को लिखिए एक बार, एमपी रेफर्स टू, एमपी रेफर्स टू एडिशनल, एडिशनल समझाते हैं, लिखिए पहले, एडिशनल टीपी ऑब्टेन फ्रॉम वन एक्स्ट्रा यूनिट, वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट को हमें प्रोड्यूस करने के लिए कितने एक्स्ट्रा लेबर को अपॉइंट करने पड़ेंगे, ये कहता है मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। एक एक्स्ट्रा यूनिट हमें प्रोड्यूस करने के लिए कितने हमें लेबर को अपॉइंट करने पड़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट। सो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन टीपी बाय चेंज इन एल, ठीक है। चेंज इन टीपी बाय चेंज इन एल, टीपी मतलब क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन एल, इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, सिंपल सा बात है। यानी कि आप पहले बना रहे थे 100 पेन्स, अब आपको बनाने हैं 150 पेन। आप पहले बना रहे थे कितने, 100 पेन्स भैया, 100 पेन्स, अब आपको बनाने हैं 150 पेन। तो उसके लिए 100 पेन्स के लिए आप 50 लेबर को अपॉइंट कर रहे थे, अब 150 पेन्स के लिए कितने लेबर को अपॉइंट करेंगे, ये बताता है मार्जिनल प्रोडक्ट। ये क्या बताता है, मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लिखिए मेरे साथ, एक एग्जांपल लिखिए मेरे साथ। आइए मार्जिनल प्रोडक्ट को तो आप समझ ही गए हो, इस पे एक एग्जांपल लिखवाते हैं। आइए एग्जांपल, इफ वी एज्यूम 7 लेबर्स प्रोड्यूसेस, 7 लेबर्स प्रोड्यूसेस 70 चेयर्स, 7 लेबर्स प्रोड्यूसेस 70 चेयर पर मंथ, ओके, देन टीपी इक्वल्स टू 70 यूनिट, ठीक है। तो टीपी का मतलब कि टीपी क्या हो गया, 70 यूनिट्स। अज्यूमिंग लेबर टू बी वेरिएबल फैक्टर, एपी इक्वल्स टू 70/10, मतलब कि 70/7। एपी अगर निकालने जाए तो एपी कैसे आप लोग निकालिएगा, बताइए तो इसका, भैया 70 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, 7 लेबर काम कर रहे हैं, तो 70/7 कर दीजिए, आपका एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा, सिंपल सा बात है। तो 10 यूनिट, ठीक है, क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, 10 यूनिट्स,
देखिए, नाउ इफ एट लेबर्स आर यूज्ड टीपी इंक्रीजेस टू 74 यूनिट्स। ओके, तो बताइए चेंज कितना आया, इसका एमपी कैसे निकालेंगे बताइए, व्हाट विल बी द एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। तो आइए निकालते हैं इसका एमपी। सो अब कितना हो गया है, चेंज कितना आया देखिए, तो टीपी इंक्रीज कितना हुआ, चेंज इन टीपी कितना है भैया, 74 अभी न्यू है, ओल्ड कितना था 70 था, है ना, और डिवाइडेड बाय लेबर में चेंज कितना आया है, 8 लेबर अभी काम कर रहे हैं, ओल्ड कितने थे 7 थे, ठीक है, तो पूरा का पूरा आप अगर करेंगे तो आपका निकलेगा 4, एमपी आपका निकल गया 4, ठीक है, क्लियर है इतना, बताइए क्लियर है कि नहीं बताइए, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा बेसिक, ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट, एपी समझा, टीपी समझा और एमपी समझा अच्छे से। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही करने वाले हैं, इसी तरह से आप प्रिपेयर कीजिए इकोनॉमिक्स को और इसी तरह से हम आगे आगे लेक्चर्स रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक भी बीकॉम सेमेस्टर 1 के फ्री बैचेस में ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कीजिए और फ्री एजुकेशन का लुत्फ उठाइए। थैंक यू।